हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फंक्शन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक हम बनाने वाले हैं फंक्शन। तो यहां लिख देता हूं void कीवर्ड और फिर यहां पर मैं एक फंक्शन बनाता हूं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए मैंने इसे एक नाम दे दिया सर, SIR, यही एक नाम दे दिया मैंने। अब ये फंक्शन सर के नाम से बनेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही हम फंक्शन बनाते हैं तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, कर्ली ब्रेसेस को, ठीक है। इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इस फंक्शन को पूरा डिफाइन करेंगे। अब यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट एफ, क्योंकि सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ लिखा जाएगा। यहां पर लिख देता हूं वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन, ठीक है। ये लिख दिया वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन इन सी, ठीक है। अब ये लिखने के बाद यहां से इसको टर्मिनेट कर देंगे, यानी फंक्शन को हमने डिफाइन कर दिया। इस ब्लॉक के अंदर हमने इसे डिफाइन कर दिया कि ये फंक्शन किस तरह का काम करेगा, किस तरह का टास्क परफॉर्म करेगा। अब हम यहां पर मेन फंक्शन बना लेते हैं, MAIN मेन फंक्शन हमने बनाया। और मेन फंक्शन बनाने के बाद एंटर करके नीचे आएंगे और यहां पर इसी फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी फंक्शन किस नाम से बना, सर के नाम से। यह लिखा, एक बार हमने इसे कॉल कर दिया, क्या किया, कॉल कर दिया। अब यहां पर टर्मिनेशन देकर के और एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, इसको बंद कर देंगे। ब्रैकेट को जो ओपन किया था उसे हम क्लोज भी कर देंगे, ठीक है। यहां पर मेन के बाद एक ब्रैकेट भी ओपन होता है, जैसे कि आप जानते हैं, यहां पे ओपन कर लीजिएगा, ये इस तरीके से ओपन करेंगे और लास्ट में क्लोज भी कर देंगे। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करेगा, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये सर नाम से कॉल होगा और जब कॉल होगा तो ये प्रिंट होकर आएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहां से बिल्ड पे चलते हैं, इसको कंपाइल करवाते हैं। अगर कोई एरर नहीं है तो ये कंपाइल हो गया और यहां से क्या करेंगे, इसको रन करवा देंगे। तो जैसे ही रन करवाया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन इन सी लिखा हुआ आ रहा है। चलिए इसको दो बार कॉल करते हैं। पहली बार कॉल किया, एक बार ये परफॉर्म हो गया टास्क, दूसरी बार कॉल करते हैं, सर लिखते हैं यहां पे और इसको कॉल कर देते हैं और एक बार इसको सेव करके और फिर हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको हम रन करवाएंगे, तो यहां पे चलते हैं और इसको एक बार रन करवा लेते हैं। तो इस तरीके से रन करवाया तो अब देखिए यही चीज दो बार लिखी हुई आ रही है, आ रही है कि नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन इन सी। फिर लिखा हुआ आ रहा है वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन इन सी। अगर तीन बार कॉल कर दे तो क्या होगा, तीन बार यही चीज आएगी, यही तो होता है फंक्शन, ओके। अब देखिए ये तीसरी बार कॉल किया मैंने, तीसरी बार कॉल करेंगे तीन बार प्रिंट होकर आएगा, पुराना आउटपुट क्लोज करना होगा हमें। तो यहां से पुराना आउटपुट क्लोज करके फिर इसको एक बार फिर से कॉल किया, तो देख रहे हैं ये तीन बार लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन। आओ यहां पर तीसरी बार इसलिए नहीं आया क्योंकि इसे हमने सेव नहीं किया था, कंपाइल नहीं किया था। तो ये हो गया। अब देखिए ये तीन बार लिखा हुआ आएगा जब हम इसको रन करवाएंगे तो, ठीक है। तो यहां से इसको एक बार रन करवा लेते हैं। तो ये देखिए ये तीन बार आ रहा है कि नहीं, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन, वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शन। तो यही फंक्शन होता है, आप एक बार बना लेंगे, एक बार डिफाइन कर देंगे चीजों को, तो वो ब्लॉक ऑफ कोड, वो पीस ऑफ कोड जब चलेगा कॉल होने पर तो वही चीजें प्रिंट हो जाएंगी जिसके अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन दी गई होगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।